हेडलाइन पर, लग्जरी गाड़ियों को छोड़ तेज प्रताप अब कर रहे हैं घोड़े की सवारी। पुरुष के पेट में निकली बच्चे दानी, अल्ट्रासाउंड के दौरान हुआ खुलासा। यूपी युवाओं को नौकरी की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। लग्जरी गाड़ियों को छोड़ तेज प्रताप अब कर रहे हैं घोड़े की सवारी। आरजेडी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक बक्सर के ब्रह्मपुर में लगने वाले फाल्गुनी पशु मेले में पहुंचे। उन्होंने बढ़कर एक घोड़े को देखा और तेज ने वहां पर घोड़े को सवार होकर सवारी की। उन्होंने देख लोग अचंभा पड़ गए। बताया जा रहा है कि लालू के लाल ने वह घोड़ा 80,000 रुपए में खरीदा है। उन्हें पहले भी घोड़े की सवारी पर चढ़ते हुए देखा। पुरुष के पेट से निकली बच्चेदानी, यह मामला हरदोई में चिकित्सा की दर्शाई जा रही है। जग को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के सेठ नवल किशोर उर्मिला देवी चिकित्सा में भर्ती पुरुष मरीज के पेट में से बच्चेदानी मिली है। ऑपरेशन के बाद बच्चेदानी को बाहर निकाल कर उसकी जान को बचाई गयी है। अब तक के ऐसे मामले 150 मामले सामने आए हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर विनीत कुमार वर्मा ने बताया कि मजिला थाना क्षेत्र के गांव में धनवार निवासी 50 वर्षीय शरीफ अली उसके पास रविवार को आए थे और पेट में दर्द बताया था। हर्निया की आशंका पर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी थी, जिसके बाद उनके पेट में से बच्चेदानी मिली है। डॉक्टर की यह रिपोर्ट देख सबके सब हैरान हो गए थे। बाद में परिजनों को यह बात बताकर ऑपरेशन करने की सलाह दी। फिलहाल हरदोई जिले में पुरुष के पेट में से बच्चेदानी होने का यह पहला मामला है। युवाओं को नौकरी की सौगात, सीएम बोले 20 लाख को देंगे रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत तैयार हो रहा है। देश के साथ साथ यूपी भी विकास के नए कीर्तिमान पर बन रहा है। प्रदेश सरकार के काम से विकास की बयार बह रही है। हम करीब 20 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। भाजपा की सरकार यूपी में 15 वर्षों का भ्रष्टाचार खत्म करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।